आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन के रसीले पराठे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु व्यास। गुलाब जामुन तो सभी के फेवरेट होते हैं। जब आप गुलाब जामुन से बने हुए पराठे को एक बार ट्राई करेंगे तो आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुलाब जामुन के पराठे बनाने के लिए हम सबसे पहले गुलाब जामुन की एक्स्ट्रा वाली चाशनी को अलग निकाल देंगे। अब हम 3 से 4 गुलाब जामुन लेंगे। अब हम गुलाब जामुन को इस तरह से फोड़ देंगे जिससे हम इनको आसानी से पराठे के अंदर भर सकें। घर में रखी हुई एक डिश से आप बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन को किस तरह से मिक्स करना है। गुलाब जामुन हमारे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हम इनको ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। जैसे ही हम इनको पराठे के अंदर भरेंगे, पराठे हमारे बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। पराठे बनाने के लिए हमने सिंपल चपाती का डो लिया है। जैसा हम चपाती बनाते हैं वैसा ही हमको डो रखना है। अब हम इसकी छोटी साइज में बॉल बनाएंगे। जितने बड़े आपको पराठे बनाने हैं आप उतनी बड़ी आटे की बॉल बना सकते हैं। हम मीडियम साइज के पराठे बनाएंगे। इस बॉल में अब हम हल्का सा आटा लगाएंगे और इसको पूरी के आकार में बड़ा कर लेंगे। अभी हम इसको पूरी के आकार में बड़ा करेंगे। अब हम इसमें गुलाब जामुन को ऐड कर देंगे। एक पराठे में हम 2 से 3 गुलाब जामुन ऐड करेंगे। अब रोटी की किनोर को उठाते हुए मसाले को हम हल्के हल्के हाथों से अंदर दबा देंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसका एक्स्ट्रा आटा हम निकाल लेंगे। इसको हम हल्के हाथों से दबाते हुए अब इसके ऊपर आटा लगाएंगे और बहुत ही हल्के हाथों से अब हम इसको बड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे गुलाब जामुन के पराठे बनके कंप्लीट है। अब हम इनको रोस्ट करेंगे। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। पराठे की हम साइड चेंज करेंगे जिससे हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। इस पराठे को बनने में बहुत ही कम समय लगता है और जितने अच्छे से हम इस पराठे को रोस्ट करेंगे ये पराठा उतना ही टेस्टी लगने वाला है। हल्का सा पराठा रोस्ट होने के बाद अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। आप इसमें ऑयल का यूज़ ना करें, घी से पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम पराठे की साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से घी लगा देंगे। 2 से 3 बार हम इस पराठे की साइड चेंज करेंगे जिससे पराठा दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पराठा हमारा बनके कंप्लीट है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। सेम प्रोसेस हम इसके बहुत सारे पराठे बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस रेसिपी को आप घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट्स करना ना भूलें आपके गुलाब जामुन के पराठे कैसे बने हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई स्वीट डिश के साथ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।